हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ इससे ज्यादा ही अच्छे होंगे। एक आदमी होता है जो ये चाहता है कि एक दिन में 10 ही रुपया कमाऊं, लेकिन इज्जत का कमाऊं, कि जब खाना खाने बैठूं तो मन को संतुष्टि मिले। आज आप इस वीडियो को अंत तक देखना, ज्यादा कुछ उखाड़ तो नहीं सकता लेकिन देखना। अक्षय कुमार और शाहरुख और अजय ये क्या बोलते हैं गुटखा के प्रचार में कि इसमें केसर है। आपको पता भी है कि केसर कितने रुपए किलो है? खुद गूगल से सुन लीजिए। भारतवर्ष के मुताबिक दुनिया में केसर की कीमत इसकी क्वालिटी पर लगाया जाता है। दुनिया के बाजारों में कश्मीरी केसर की कीमत 3 लाख से 5 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक है। अगर इसमें 5 ग्राम भी केसर डालोगे ना तो 2500 रुपए का हो जाएगा। और तुम्हारा गुटखा कितने का आता है? 5 रुपए का। अगर इसमें वाकई में केसर है तो केसर तो सबके लिए फायदेमंद होता है, तो इस एड में इस बच्चे को खाने के लिए क्यों नहीं लिखा है? इसमें लिखा है कि ये बच्चों के लिए नहीं है। क्यों? इन एक्टरों का आज से ये सब काम नहीं चल रहा है, 10 साल पहले से ही ये गुटखा का प्रचार कर रहे हैं। रवि किशन और संजय दत्त का ये ऐड है जो कि 10 साल पुराना है, और आप इसमें देख लीजिए बिल्कुल ही रियल तरीके से ऐड को, गुटके को बेचा जा रहा है। और क्या बताएं आपको, क्वालिटी सुपारी खाओगे या कचरा, कश्मीरी केसर खाओगे या झुमरी तलैया का घास। सलमान खान जो कि बिग बॉस का ओनर है, आज वो गुटखा बेच रहा है। वाह भाई, इन्हीं सब प्रचार के कारण इनका आज फिल्म नहीं चल रहा है। फिल्म फ्लॉप पे फ्लॉप इनका सारा फिल्म जा रहा है और आगे भी जाएगा। पूरे इंडस्ट्री का महानायक कहे जाने वाले अमित बच्चन जो कि आज ये भी गुटखा बेच रहे हैं, इनको तो 15% अभी ज़िंदगी बची है और इसमें भी ये सब कर रहे हैं। अरे थोड़ा बहुत तो ज़िंदगी बची है, अच्छे से जी लेते, साफ सुथरे ज़िंदगी में जाते तो लोग आपको याद रखते, लेकिन आपने भी वही कचरा कर दिया। आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी हमको, क्योंकि आप महानायक है, बड़े हैं सबसे। और ये है टाइगर श्रॉफ और महेश बाबू, इनको लगता है कि गुटखा खाने से ही हमको कामयाबी मिलती है। अरे भाई, ये कोई अमृत थोड़ी ना है जिसे पी लेने से तुम अमर हो जाओगे और कामयाबी मिल जाएगी, तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा हुआ महेश बाबू तुम पुष्पा मूवी में नहीं आए, नहीं तो वो मूवी भी फ्लॉप हो जाती। और रुको जरा, सबर करो टाइगर श्रॉफ, तुम भी सुन लो, हीरोपंती 2 लेके आए हो ना, बता दे रहे हैं वो भी नहीं चलेगा, लिख के ले लो तुम। और ये लोग क्या बोलते हैं कि हमारे इंडस्ट्री को काम मिलता है गुटखा का प्रचार करने से, काम मिलता है तो रोजगार मिलता है। चलो तुमने एक दुकान खोला और उसी दुकान में तुमने चलाया और कुछ दिन फायदा हुआ और 1 महीने लॉस हो गया, तो क्या तुम उसी दुकान में ये सब करने लगोगे? नहीं करोगे ना। तो फिर भोजपुरी का एक प्यारा सा डायलॉग है, नाम पर दांत चिता के आग से कम ना होगा। इनको लगता है कि ऑडियंस तो मेरे फैन है, जो भी कुछ परोसेंगे वो खा लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। सो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।